तो फ्रेंड्स, आर यू इन ग्रेट शेप? क्या हेल्दी खाना, फिटनेस आपका लाइफस्टाइल है? क्या कैमरा आपको पसंद है? तो अगर ये सब चीजों का मिक्सचर आप में है, सो यू आर फिट टू बी अ फिटनेस मॉडल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रवीण भट्ट, आई एम अ सेलिब्रिटी फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस मॉडलिंग के ऊपर। जी हाँ, बहुत सारे आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मेरे पेज पे बहुत सारे सवाल पूछे थे रिलेटेड टू फिटनेस मॉडलिंग, तो मुझे लगा आज इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि लोगों को जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है फिटनेस मॉडलिंग को लेके, वो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। लोगों को लगता है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं, हैवी बॉडी वाले, जो एकदम हमें जिम में हट्टे कट्टे लोग दिखते हैं, बॉडी जिनकी बहुत फर्स्ट क्लास होती है, अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बल्कि होते हैं, ये लोग जो हैं, हमें लगता है ये फिटनेस मॉडल हैं। और लोगों को लगता है जब हम फिटनेस मॉडलिंग की बात करें कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं, बॉडी बिल्डिंग का जो कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, उसको हम फिटनेस मॉडलिंग बोलते हैं, जबकि ये एक मिसकंसेप्शन है, ये गलत फहमी है। मॉडलिंग और जो फिटनेस मॉडलिंग है, दोनों थोड़ा सा आसपास रिलेटेड है, लेकिन फिटनेस मॉडलिंग में क्या है, आपको जो अपनी फिटनेस है, आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, रिजीम है, उस पर ध्यान देना है। और ये नहीं कि आपको बल्कि बॉडी रखनी है, आपको फिट रहना है, एकदम लीन मस्कुलर रहना है, जिससे आपके मसल्स जो हैं, आपकी बॉडी जो है, अगर आप लड़के हों या लड़कियाँ हों, बॉडी टोन होनी बहुत ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम आपको एकदम क्या कहते हैं, वो 12 महीने फिट रहना है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों को नहीं समझ आता कि फिटनेस मॉडलिंग और बॉडी बिल्डिंग थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। बात करें रिक्वायरमेंट्स की, अगर हम इंडिया में बात करें, फिटनेस मॉडलिंग एक अभी बहुत ही बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म लग रहा है। पहले कुछ साल पहले अगर हम देखें, इतना ज्यादा इसकी डिमांड नहीं थी, बट अब बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह हैं इंडिया में आ गए हैं, और इंडिया के खुद के बहुत सारे फिटनेस रिलेटेड ब्रांड्स हैं, जो जिम वेयर हो गए या सप्लीमेंट्स हो गए, सारे आ गए। तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है फिटनेस मॉडल्स को लेकर। तो अगर आप लड़के हैं और जैसा मैंने बताया फिट हैं, हाइट हम देख रहे हैं 5'7" 5'8" एंड अबव अप टू 6'1", तो ये हाइट क्राइटेरिया है लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए अगर मैं बोलूँ 5'2" से अबव, 5'2" से 5'5" 5'6" के बीच में अगर आपका ये जो है क्राइटेरिया बैठता है, तो आप फिटनेस मॉडलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये एक सवाल है जो बहुत लोगों के माइंड में रहता है कि फिटनेस मॉडल्स जो हैं वो किस टाइप के शूट करते हैं। तो दोस्तों, फिटनेस मॉडलिंग के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया, मोस्टली जो शूट्स हैं आपका जिम वेयर, आपके फिटनेस के जो क्लोथिंग वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, उसका रहता है। सप्लीमेंट्स के जो ब्रांड्स हैं बहुत सारे आजकल, प्रोटीन बार्स, आपके जो पाउडर्स हैं, बहुत सारे स्नैक्स आ गए हैं हेल्दी वाले, जिसमें हम बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं ना, वो न्यूट्रिशन और प्रोटीन वैल्यू वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है। तो उन लोगों को मार्केट करने के लिए अच्छे गुड लुकिंग लड़के लड़कियाँ जो फिटनेस मॉडल्स हैं वो चाहिए होते हैं। और अगर आप देखेंगे हाल ही में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर, तो लड़के लड़कियाँ जो फिटनेस में, जिम रूटीन वगैरह जिन लोगों के बहुत ही रेगुलर चल रहे थे, वो अपने आप को एज अ फिटनेस मॉडल प्रेजेंट करते हैं, फिटनेस मॉडल रखते हैं। बिकॉज इन लोगों के पास, अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, आपका आपका बिल्ट अच्छा है, आपके स्किन बॉडी सब अच्छे, तो ब्रांड्स आपको अपने आप अप्रोच करते हैं, और आप प्रिंट एड्स में आ सकते हैं, बिल बोर्ड्स में आ सकते हैं, सोशल मीडिया की एड्स में आ सकते हो। तो इस टाइप के जो शूट्स हैं, ये आपको एज अ फिटनेस मॉडल मिलते हैं। सो हाउ टू गेट स्टार्टेड, सबसे सिंपल तरीका जो है मॉडलिंग और एक्टिंग में एंटर करने का, और यहाँ पे फिटनेस मॉडलिंग को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, कि आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। फिटनेस की अगर हम बात करें, फिटनेस का जो पोर्टफोलियो रहता है, उसमें मेजर फोकस आपको अपने बॉडी को दिखाने का रहता है। मैं बहुत सारे पोर्टफोलियोज करता हूँ जहाँ पे मेल फीमेल मॉडल्स मेरे पास आके अपना फोलियो शूट करते हैं, और लोगों का ये सवाल रहता है कि सर आप रेगुलर लोगों के लिए भी शूट करते हैं? तो जी हाँ, मैं रेगुलर लोगों के लिए भी शूट करता हूँ। अगर आपको हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो बुक करना है, ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके, मैसेज करके अपना पोर्टफोलियो बुकिंग कर सकते हैं। तो जो मेल फीमेल मॉडल का फोलियो रहता है, उसके अंदर फैशन, लाइफस्टाइल, कमर्शियल, ये सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम लोग फोलियो शूट करते हैं। और जो फिटनेस मॉडल्स का पोर्टफोलियो रहता है, उसके अंदर हमने ज़्यादातर आपके बॉडी के जो मेन हाइलाइट्स हैं, एब्स हैं, बॉडी के कट्स हैं, आपके टोन बॉडी जो है उसको फोकस में ज़्यादा रखना है। उसके अंदर बेयर बॉडी ज़्यादा रहते हैं, जिम वेयर वाले शॉर्ट्स ज़्यादा रहते हैं, ऐसे शॉर्ट्स रहते हैं जिसके अंदर आपकी फिजिक को हम ज़्यादा हाईलाइट कर सकें। सो एक पोर्टफोलियो आपने बनवाना है, और पोर्टफोलियो बनवाने के बाद एजेंसीज में इससे
सर्कुलेट करना है ऑनलाइन, जितने ब्रांड्स वगैरह हैं वो एजेंसी बाद में उनको अप्रोच करते हैं, आपका पोर्टफोलियो दिखाते हैं, और जब भी कोई काम आएगा उसके अंदर से एजेंसीज आपका कमीशन रखेंगी और आपको आगे काम दिलाएगी। ये बेसिक टिप्स थे जो मुझे लगता है फिटनेस मॉडलिंग को लेकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और गाइज, मैं रेगुलरली आपके लिए ब्लॉग्स भी लिख रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, ये है हमारी वेबसाइट, यहाँ पर जाके www.praveenbhatt.net पर जाके ब्लॉग सेक्शन में जाके मैं बहुत सारे रेगुलर ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, जहाँ पे आपसे मॉडलिंग, एक्टिंग, फोटोग्राफी रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम लोग वहाँ पे आंसर करें। तो ज़रूर चेकआउट करना और जाके बताना कि कैसा लगा आज का वीडियो, कैसा लगा नीचे लाइक कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।